वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में बताते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पीएम ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। वो देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। आज देश का हर व्यक्ति पीएम को नजदीक से सुनना और देखना चाहता है, इसलिए उनकी सभा में जनसैलाब उमड़ कर आया है। बीजेपी जो 11 सीटों का एजेंडा लेकर चल रही है वह निश्चित रूप से पूरा होगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ किया है, हर परिवार के लिए कुछ ना कुछ किया है और देश के 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। और जिस प्रकार से आज एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बनी है, आज देश का हर व्यक्ति प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को नजदीक से देखना और सुनना चाहते हैं। और इसलिए शक्ति की सभा हो, धमतरी की सभा हो, ऐतिहासिक रूप से सफल हुई है। जन सैलाब उन्हें नजदीक से देखने और सुनने के लिए उमड़ा और अभी अंबिकापुर में उनकी सभा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मिशन 11 को लेकर जो काम कर रही है वो अब सफल होगा और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ये तय हो गया है।